दोस्तों आपके लिए हमने यू कैंडो का एपिसोड 1 हिंदी में डब कर दिया है, जो अवेलेबल नहीं था इंटरनेट पर, और फाइनली वो अब अवेलेबल है, मतलब फैंडअप है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने आवाज़ दी है अपनी, तो हमने बहुत मेहनत की है, तो ज़रूर जाए है। तो फटाफट जाओ और इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि आगे के एपिसोड्स भी आएंगे। नीचे कमेंट करना कि कैसी लगी डबिंग, और जी हाँ, वीडियो को शेयर भी करना, हर जगह शेयर करना, हर जगह जिन्हें भी एपिसोड देखना है। हम 1 से 12 तक एपिसोड डब करेंगे, और आगे भी कुछ कुछ एपिसोड्स है वो हिंदी डब नहीं है, तो उसे भी हम कर लेंगे। तो चलिए आप एपिसोड एंजॉय कीजिए। इंसानियत को बचाएगा वो, दुश्मन से लड़ेगा जो, हाथों में इसके वो ताकत है, जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो। वो 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 चाबी से बदलता है, वो 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 अंधेरों से निकलता है, पर कहीं जो मिले उसे पहचानोगे नहीं उसे। जब भी डटके बुलाओ यू कैंडो को, आएगा वो ये वादा है, तेजी से बदल जाए वो यू कैंडो में, दिखता सीधा सादा है, हमेशा यही न्यू कैंडो है, बुराई से टकराए हर बार, लगता है हमेशा यही न्यू कैंडो है, इसके पास है कई हथियार, इसमें है ताकत और इसमें है क्या शक्ति, न्यू कैंडो। क्या वो सच में आएंगे? चीफ सुकियो का, वो जरूर आएंगे, सही कहा ना चीफ? पर अगर वो सच में आए तो? उन्होंने कहा था कि वो जरूर आएंगे, सही कहा ना चीफ? वो नहीं है। आगे बढ़ो। चीफ, वो इंसान लग रहा है, जल्दी से हटाओ उसे। ठीक है। अकाबानो शहर मार्शल लॉ के अधीन है, जल्दी वहां से हटो। वो आ रहे हैं चीफ। वहां से हटो। अब ये लोग कौन है? रोजे दो। हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तुम रास्तों के बीच में खड़े हो, जल्दी वहां से हटो। पर चीफ, वो इंसान नहीं है। हम यहाँ के चीफ है और हमें सिर्फ कानून पता है।
देखा, वो समझ गया। हमला करो। बाप रे, वो लोग यहाँ के पुलिस ही है ना। मैंने क्या किया है? ए! हमें कुछ नहीं होगा, भले पुलिस वाले कुछ ना करे, चोट यहाँ पर आती होगी, फिर हम बच जाएंगे। टारगेट कोई इंसान नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ वो मिट्टी की है। तुम कौन हो? इंसान या उनमें से एक? क्या? तुम्हें छिपना चाहिए था। हे, सुनो, एक मिनट रुको यार। माँ तो वैसे भी बुद्धू होते हैं। जंबुरा, 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 जंबुरा। हे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? बाहर अभी भी डिमोंस हो सकते हैं, सावधान रहना। ये लोग यहाँ पर रहते कैसे हैं? अगर कुछ भी नुकसान हुआ है तो आपकी बोलो हेडक्वार्टर से बताएं। अगर कुछ भी नुकसान हुआ है तो आपकी बोलो हेडक्वार्टर से बताएं। अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है तो तुरंत आकी बोलो हेडक्वार्टर में। कितना बोरिंग काम है ना।
हाँ यार, अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है तो तुरंत आकिबोनो हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करें। मेंचे! 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 तुम सुरक्षित हो, तुमने इसे बचाया। जी हाँ, चलो शुक्रिया कहो इन्हें। मेंचे जल्दी से अंदर आ जाओ। वाह, स्वादिष्ट। सुनिए, मैंने सुना था कि बोनो शहर में राक्षस आते हैं, पर मुझे पता नहीं था वो इतने होंगे। बेटा सुनो, आज जो हुआ है पहली बार थोड़ी ना, बहुत बार हो चुका है। हाँ सही कहा, हाँ ये सब इसी साल शुरू हुआ है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे अजीब सा गोला गिर गया था, तभी से ये सब राक्षस आ रहे हैं। क्या वो मास्क वाला आदमी अच्छा जो शैतानों को मारने आया था? वो शॉट है, मुझे लगता है वो फायर डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है। सही कहा। अरे बेटा पानी पी लो थोड़ा सा। मैं ठीक हूँ, मैंने सुना वो न्यूज को दबा के रखते हैं। जब ये सब पहली बार हुआ था टीवी पे आया था, अभी कुछ नहीं आता है। सुकाई माँ सिर्फ इसी शहर में दिखते हैं, अंत में वो सिर्फ एक राक्षस ही तो है। अरे कस्टमर्स आ गए, जाओ। कस्टमर्स आ गए जी, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? मुझे अब शेयर देखने जाना है। तो पैटिस के कितने पैसे हुए? तुमने मेरी मिंची को बचाया है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पैटिस कैसा था बेटा? बहुत बढ़िया था। ओ, तो चलिए मैं चलता हूँ, बाय। अरे बेटा अपना पैटिस तो लेते जाओ। डॉक्टर वॉन्ग, तुम्हारे सुकियामा अब किसी काम के नहीं, अब वो उन इंसानी वॉरियर्स से नहीं लड़ सकते। द डार्क कैनन कहते हैं कि जब इंसान डरता है, दुखी होता है, दर्द सहन करता है, तभी हमारी शक्तियां बढ़ती है। हम ये डायमो को जिंदा करने के लिए कर रहे हैं, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो दुनिया हमारी कैसे होगी, जलवा दिखाएंगे। पर तुम्हारी शक्ति इंसानों को डरा नहीं सकती। पर अगर मैंने मदान की का इस्तेमाल किया, एक ऐसा राक्षस जिसे वो वॉरियर बिना हरा पाए, करके बताओ। अभी देखता हूं, जलवा दिखाएं। बेरेगे, बेरेगे। जलवा दिखाएंगे सबसे खतरनाक कीड़ा। इस लोहे के शरीर की वजह से तुम्हें कोई भी बंदूक या तलवार से कुछ नहीं होगा। जलवा दिखाएंगे। रक्षा करना, आशीर्वाद देना। ये शहर काफी अजीब है, सब चल क्या रहा है? ओ ये क्या है? आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बस सुबह को छोड़ के हर दिन ऐसा ही अच्छा गुजरना चाहिए, क्यों? सही कहा ना? चलो काम हो गया, एकदम बढ़िया। तुम्हें कुछ मदद चाहिए? मेरा नाम नारुकामी केंजी है, मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ। काफी सुंदर शहर है। मेरा नाम नो
उसे कावरी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ सही कहा। और ये क्या है वैसे? ये बुद्धा की मूर्ति है। बुद्ध? हाँ, इस शहर के लोग उन्हें बहुत मानते हैं। ये क्या है? वो उनके लिए तोहफा है क्या? हाँ प्यारा है। हाँ प्यारा है। अरे ये सब हो क्या रहा है? मेरी गाड़ी तोड़ दी तुमने, ये ले मेरी गाड़ी। डरावना। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुमने इनकी गाड़ी तोड़ दी। तुम कौन हो? अकेबोनो पुलिस। राक्षसों से लड़ने का काम शौक का है, पुलिस इनसे नहीं लगती। उसका इससे क्या लेना है? तुम तो यहाँ की पुलिस हो ना। हमने कहा ना वो शॉर्ट का काम है। तो फिर यहाँ ही बैठो, भले शॉर्ट कुछ भी हो पर मैं शहर को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। रुको। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, भागने की कोशिश मत कर। लेकिन युकेन ने अपने आदमी को चुन लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो उसे झेल पाएगा। छोड़ दो उसे। तू इस शहर को नष्ट नहीं कर सकता मेरे होते हुए। मैं अभी भी जिंदा हूं। इससे ही तो जादू कहता है। तुम कौन हो? मैं हूं गेकी रुगेन। गेकी रुगेन? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें चुना है गेंजी, रुगेनो की ताकत सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्या तुम उसके लिए ही बने हो? वही करो जो मैं कह रहा हूं। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। समझाने के लिए समय नहीं है, मैं तुम्हारे सिर पर काबू कर रहा हूं। व्यूकिन की एक्टिवेट चेंज यू कैन डू केकी रुहेनजी।
तैयार हो जा राक्षस, सबसे शक्तिशाली मदानी होता वापिस आ चुका है। यू कैन डू राइट जी। हेतु, भले तुम्हें भगवान ने माफ किया हो लेकिन यू कैन डू नहीं करेगा। फाइनल की एक्टिवेट। फाइनल क्रश। यूरिकेन मदान स्लैश। अंधेरे से आया है वही लौट जा। पर जल्दी चलो। सर, इसने मदन की हासिल कर ली। नारुकामी केंजी रुकेंडो का साथ नहीं दे पाएगा। पर इसने पूरे शहर को मुसीबत से बचाया है। पर ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। जो भी हो, उसने हमें बचाया। ये लड़का जरूर कुछ करके दिखाएगा। जाएगा वो दुश्मन से लड़ेगा जो हाथों में इसके वो ताकत है जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो। वो 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 चाबी से बदलता है। वो 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 अंधेरों से निकलता है। पर कहीं जो मिले उसे पहचानोगे नहीं उसे। जब भी डर लगे बुलाओ वादा है तेजी से बदल जाए वो रुकेंडो में दिखता सीधा साधा है। होता है हमेशा यही रुकेंडो है बुराई से टकराए हर बार। लगता है हमेशा यही रुकेंडो है इसके पास है कई हथियार। इसमें है ताकत और इसमें है क्या शक्ति रुकेंडो। आज की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है रुकेंडो का हिटसत्सु अटैक, केके रुकेन का मदान स्लैश और मदान की होल्डर से फाइनल की को निकालना, केके रुकेन में डालना और एक्टिवेट करना, इससे मैं दुश्मनों को चीर सकता हूँ। क्या इस बार एक पेड़ जो इंसानों पर हमला करता है, मैं इस चीज को कैसे हरा सकता हूँ? मुझे बताओ केके रुकेन क्या करना है। मिलते हैं अगले मदान सेन की रुकेंडो के एपिसोड 2 में।